आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 के थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। इसमें जो गिवेन दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये पी क्यू आर ये वाले एंगल और पी आर क्यू ये वाले एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये गिवेन दे रखा है। और इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करते हैं, एस टी जो है स्ट्रेट लाइन है, ऑनलाइन एस टी, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी क्यू एस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलके 180 बनाएगा लीनियर पेयर से। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी 180 डिग्री बनेगा, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवेन दे रखा है, पी आर क्यू की जगह हम लोग एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, और ये एंगल पी आर टी वही रहा इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दे रखा था, तो यहाँ से अब पी आर टी निकाल लेंगे, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे पी क्यू एस का वैल्यू जो है वो 180 माइनस एंगल पी क्यू आर आ रहा है, और यहाँ पे पी आर टी का वैल्यू जो है 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। आर एच एस साइड देखो, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में दोनों का वैल्यू सेम है, तो एल एच एस जो है वो सेम हो जाएगा, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हमें प्रूफ करना था।